हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं इस मई के मंथ में यूज़ कर रही हूँ। जो प्रोडक्ट मैं उसका आपके साथ एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आप चाहें तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं। ये मेरा स्किन केयर है, ये मई एंड मंथ का है, और बस मैं जिस तरह से अपने सुबह मॉर्निंग अपने फेस को स्किन केयर करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जा रही थी अपना स्किन केयर करने, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ही एक वीडियो शेयर कर देती हूँ, जिससे ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो फिर चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से अपना मैं किस तरह से अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ मॉर्निंग में, तो फिर जल्दी से अपने वीडियो में मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सबसे पहले गुड वाइब्स का पपाया अपना फेस वॉश लेकर के थोड़ा सा लूँगी और अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, आप चाहें तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, और गर्मी में पपाया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। और आप चाहें तो आप ऑल्टरनेट घर पर भी पपाया को अपने फेस पर लगा करके फेस वॉश कर सकते हैं, वो भी आपका होम मेड DIY फेस वॉश बन जाएगा। उसके बाद हमें अपने फेस को पैड ड्राई कर लेना है टॉवल की हेल्प से। ये प्रोसेस आप नहाते टाइम भी कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद हमें सबसे पहले अपने फेस में टोनर या मिस्ट लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोजमेरी मिस्ट लेकर के उसके कुछ स्प्रे अपने फेस पे स्प्रे करूँगी, और फिर अपने फिंगर की हेल्प से डैब डैब करूँगी, जिससे वो 2 से 3 मिनट बाद मेरे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। फेशियल मिस्ट यूज़ करने से आपकी स्किन रिहाइड्रेट और मॉइस्चराइज होती है, तो ये स्टेप कभी भी आप स्किप ना किया करें, टोनर या फेशियल मिस्ट जरूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, मिस्ट के बाद हमें अपने फेस में जेल अप्लाई करना चाहिए, तो आप कोई भी जेल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑरेंज जेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सबको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है। अगर किसी को सूट नहीं करता है, तो इस गर्मी आप एक बार ऑरेंज जेल यूज़ करके देखिएगा। ये गुड वाइब्स का है और ये बहुत ही अच्छा ऑरेंज जेल है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जेल के बाद नंबर आता है फेस क्रीम का, तो ये है गुड वाइब्स की सेफ्रॉन डे क्रीम, और मैं इसको थोड़ा सा लेकर के अपने फेस में डॉट डॉट करके अच्छे से लगा लूँगी, जिससे मेरा फेस सारा दिन एकदम अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगा। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, सेफ्रॉन आप सभी जानते हैं स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, और ये एकदम ऑयली नहीं है, एकदम स्टिकी नहीं होता है आपके फेस में, बहुत ही अच्छा फेस रहता है। तो एक बार आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उससे भी अपना स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं, बट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन है, आपको अपने स्किन का खुद ही ध्यान रखना होगा। फेस के बाद हमें अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। आपके पास जो भी लिप बाम है आप उससे अपने होंठ को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट स्टेप आता है हमारे हाथ को मॉइस्चराइज करना, तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़ बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ, और ये भी बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कम्प्लीट होता है। स्किन केयर रूटीन है, ये वन ब्रांड प्रोडक्ट है, मतलब कि एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट हैं, जो कि गुड वाइब्स के हैं, और मैंने इसका अपने चैनल पर हॉल भी डाला है, पर्पल हॉल, जो कि आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं उनके लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना सिंपल और ईजी सा स्किन केयर रूटीन है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और सिर्फ मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है, तो आप भी अपने आप को पैम्पर ज़रूर करिए मॉर्निंग में, अपने आप को स्किन केयर ज़रूर दीजिए, जिससे आपकी स्किन सारा दिन के लिए हाइड्रेट रहती है। तो चलिए फिर, ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।